नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाना चाहती है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का आखिरी अधिकार होगा। इस विधेयक के खिलाफ केजरीवाल विपक्षी नेताओं से लंबे समय से मिल रहे हैं। उन्हें ये उम्मीद थी कि इस विधेयक को लोकसभा में तो नहीं लेकिन राज्यसभा में पूरा विपक्ष अगर साथ आता है तो रोका जा सकता है। हालांकि मंगलवार को जब जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक के बीजू जनता दल ने इस बिल पर मोदी सरकार के समर्थन करने का ऐलान कर दिया तो अब विपक्ष की उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के पास राज्यसभा में 9-9 सांसद हैं। इनके समर्थन के साथ बीजेपी विधेयक को राज्यसभा में पास करने के लिए बहुमत का आंकड़ा आराम से हासिल कर लेगी। बता दें, इस समय राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, 7 सीटें खाली हैं। विधेयक को पारित करने के लिए सदन के कुल संख्या बल का आधा समर्थन होना चाहिए यानी 119 वोट, लेकिन मोदी सरकार के पास अब तक के गणित के हिसाब से 121 का संख्या बल है। गुड़गांव के भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए। जुलूस में कोई तलवार लेके जाता है क्या? लाठी डंडे लेके जाता है जुलूस के लिए? उन्हें हथियार किसने दिए? तलवार या लाठियां लेकर जुलूस में कौन जाता है? ये गलत है। इस तरफ से भी उकसावे की कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई। इंद्रजीत सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये सारे आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने लड़कों के बीच एक छोटी सी लड़ाई को भी जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस चिंगारी ने आग लगा दी। बता दें, आरएसएस से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को धार्मिक यात्रा निकाली जिसे मेवात के नूह से गुजरना था। यात्रा जब नूह पहुंची तो वहां भयानक हिंसा हुई। इस हिंसा में अभी तक कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। ये हिंसा गुड़गांव तक फैली। एक धर्मगुरु की हत्या गुड़गांव के धर्मस्थल में की गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पुलिस बल अपर्याप्त होने का एहसास होने के बाद उन्होंने नूह में केंद्रीय बल भेजने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट लोगों में नकारात्मक सोच पैदा कर रही है। नूह और गुरुग्राम में सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा प्रस्तावित रैलियों को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका घृणा फैलाने वाले भाषणों से संबंधित एक लंबित रिट याचिका में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के रूप में दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने से पहले आवेदन का उल्लेख किया क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश और अगले 4 वरिष्ठ न्यायाधीश अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ में बैठ रहे हैं। सिंह ने न्यायमूर्ति बोस को बताया कि नूह में हुई घटनाओं के विरोध में विहिप बजरंग दल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में 27 मार्च की घोषणा की गई है। बता दें, दक्षिणपंथी संगठन विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के नूह जिले में भड़की हिंसा के खिलाफ बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुका है। पुलिस और खुफिया अधिकारी विरोध प्रदर्शन पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि एजेंसियों का मानना है कि इससे नूह में हिंसा भड़क सकती है। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में सोमवार मंगलवार को हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 होमगार्ड के लोग हैं और 4 नागरिक हैं, काफी लोग घायल हुए हैं। हिंसा के मामलों में अब तक पुलिस ने 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम खट्टर ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी जनता से अपील है कि शांति बनाए रखिए, आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, किसी अप्रिय घटना को बढ़ने ना दें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नूह में आयोजित बीएचपी की जलाभिषेक यात्रा पर कहा कि यात्रा के आयोजकों ने पूरा ब्यौरा प्रशासन को नहीं दिया था कि कितने लोग आएंगे, कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि शांति बनाए रखें। दुष्यंत चौटाला से मोनू मानेसर और मामेन खान पर सवाल पूछा गया तो वो बोले। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, जिसने उकसाया है और डिजिटली जिसके सबूत मिले हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुष्यंत चौटाला कहते हैं, हमारे प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तरह के इनपुट्स मिले हैं, पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है।
गुरुग्राम के एसीपी वरुण धैया ने कहा कि जिले में स्थिति नियंत्रण में है और लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, गुरुग्राम पुलिस सभी लोगों के साथ है, यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं। बता दें नूह में सोमवार से शुरू हुई हिंसा के बाद तनाव की स्थिति है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पर डायल करके पुलिस की मदद ले सकता है। लोगों के पलायन से जुड़ी रिपोर्टों पर एसीपी ने पत्रकारों से कहा कि गुरुग्राम पुलिस भरोसा दिलाती है कि किसी को भी अपना घर या दुकान छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। गुरुग्राम पुलिस उनके और उनके परिवार की जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि नूह में हुई हिंसा सुनियोजित थी। 2024 चुनाव से पहले इस तरह की और भी घटनाएं होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नूह से शुरू होकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैली हिंसा अनायास नहीं थी। उनके अनुसार सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के उद्देश्य से 7 से 8 अलग अलग स्थानों पर हमले सुनियोजित थे। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा देश मणिपुर की तरह जल जाएगा। उन्होंने कहा कि जाट संस्कृति या परंपरा से आर्य समाज की जीवन शैली में विश्वास करते हैं और पारंपरिक अर्थ में बहुत धार्मिक नहीं है, ना ही इस क्षेत्र के मुसलमानों का दृष्टिकोण बहुत पारंपरिक है। इसलिए आज़ादी के बाद से कभी किसी ने दो समुदायों के बीच इस तरह से टकराव होते नहीं सुना और ये हमले 2024 तक और बढ़ेंगे, जैसा कि मणिपुर में स्पष्ट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन के 31 सदस्य राष्ट्रपति महोदया से मिले। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, वहां इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन गया था। इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन ने मणिपुर में जो देखा उसे राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा। हमने उन्हें बताया कि राहत शिविरों में लोगों को समय पर राशन और दवा भी नहीं मिल पा रही है। मणिपुर को लेकर हमने राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने हमें मेमोरेंडम के बारे में सोचने का आश्वासन दिया है। खड़गे ने कहा कि सरकार हमें सदन में बोलने नहीं दे रही है, मेरे माइक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये सरकार ना संविधान को बचाना चाहती है और ना ही संविधान के उसूलों पर चलना चाहती है, इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।